बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वेट 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 दोस्तों, ये मैं नहीं मोच का टीम कह रही है। और दोस्तों कैसे हो, मुझे पता है तुम सब ठीक हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर दोस्तों आप लोग मोच ऐप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग मोच फुगेटर प्रोग्राम के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग इस प्रोग्राम के बारे में जानते भी हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को फिलअप भी कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग फॉर्म तो फिलअप कर दिए हैं लेकिन अभी तक दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग टेंशन में है। बट दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि दोस्तों जब भी आप लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको 7 दिन का समय मिलता है और आपका जो प्रोफाइल है दोस्तों रिव्यू में रहता है। इसके बाद दोस्तों आपको वेल बिगिनर्स हाफ डन मिलती है। इसके बाद दोस्तों सिंपली अब अगर दोस्तों आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिल गया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत टेंशन वाला बात है, चूंकि दोस्तों बेटर लक नेक्स्ट टाइम का मतलब है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका जो फॉर्म है दोस्तों वो रिजेक्ट हो गया। तो आखिरकार दोस्तों ऐसा क्यों आ रहा है और अब दोस्तों आपको क्या करना है, सब कुछ आज के इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों अपने भाई का नाम तो जान लो। दोस्तों मेरा नाम है रोबिन और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोबिन के टेक पे। टाइम पास वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि मोज एक शॉर्ट वीडियो ऐप है और इसमें दोस्तों हम लोग शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आप मोज ऐप में शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं? जी दोस्तों, मोज लेके आ गया है मोज क्रिएटर प्रोग्राम, जिससे दोस्तों आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए सबसे पहले हमारा सिलेक्शन मोज क्रिएटर प्रोग्राम में होना चाहिए और मोज क्रिएटर प्रोग्राम हमारे साथ तभी ना होगा जब दोस्तों हम मोज ऐप के सारे टर्म एंड कंडीशन को मानेंगे, जब दोस्तों हम सही तरीके से वीडियोस क्रिएट करेंगे। बट दोस्तों हम लोग सारा चीज करते भी हैं लेकिन दोस्तों अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपको दोस्तों बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिल गया है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, क्या गलती आप लोग किए थे और क्या आपको करना है, सब कुछ आज के इसी वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन दबाना आप लोग भूल जाते हैं इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते जानकारी की ओर। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो आप लोग गलती करते हैं, सबसे पहले इस चीज के बारे में आपको बता दें, क्योंकि दोस्तों आप लोग बार बार एक ही गलती करते हैं जिसके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं आपको सहना पड़ता है। सबसे पहले बता दो दोस्तों कि अब जो है MFC में सिलेक्शन का जो प्रोसेस दोस्तों वो 14 दिन का हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको 30 दिन, 27 दिन या फिर दोस्तों आपको 40 दिन वेट करने का कोई जरूरत नहीं है, आपका दोस्तों 14 दिन के भीतर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट दोस्तों हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमें दोस्तों बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिल गया है, अब आपको क्या करना है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर दोस्तों आपको वेल बिगिनर्स हाफ डन 28 दिन का फिर से मिल जाए या फिर दोस्तों आपको अभी जो है बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिला है, मतलब दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको दोस्तों अब सिंपली क्या करना है, आपको दोस्तों उस प्रोफाइल पे कोशिश तो करना है कि आपको दोस्तों पर डे वीडियो बनाना है। लेकिन दोस्तों अब वो प्रोफाइल आप लोग भूल जाओ जी दोस्तों, कोई फायदा नहीं होने वाला है, चूंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल में गलती हो चुका है इसलिए दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिंपली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दोस्तों एक नया प्रोफाइल क्रिएट करना है और नया प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद दोस्तों अपने प्रोफाइल को सबसे पहले अच्छी तरीके से उसको एडिट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। जी दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर दोस्तों आप लोग टॉपिक डिसाइड नहीं करते हैं तो आपका दोस्तों सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग मिक्स कंटेंट बनाते हैं, कभी हो गया कि आप लोग डांस कर दिए, कभी लिपसिंग, कभी एजुकेशन, कभी कॉमेडी, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको एक नीच सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो आपको कैटेगरी चुनना है कि आप दोस्तों किस कैटेगरी में बेस्ट हैं। अगर दोस्तों आप कैटेगरी के वाइज वीडियोस नहीं बनाते हैं, अगर दोस्तों आप लोग हमेशा गलती करते रहते हैं, मतलब दोस्तों कभी कुछ डाल दिए, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों नहीं होने वाला। सबसे पहले तो आपको नीच डिसाइड करना है। अगर दोस्तों आप लोग कॉमेडी वीडियो बनाना चाहते हैं तो कॉमेडी का ही वीडियो आपको अपलोड करना है। अगर दोस्तों आप लोग लिपसिंग डालना चाहते हैं तो लिपसिंग में भी दोस्तों बहुत तरह का लिपसिंग होता है, एक कॉमेडी हो गया, एक फनी वीडियो हो गया, एक डांसिंग हो गया, एक दोस्तों मतलब सॉन्ग हो गया, तो आपको दोस्तों डिसाइड करना है इसमें भी कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। अगर दोस्तों आप लोग कॉमेडी का ही लिपसिंग करते हैं तो आपको दोस्तों कॉमेडी का ही लिपसिंग करना है। आप लोग दोस्तों कोई सॉन्ग पे अगर लिपसिंग करते हैं तो आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग का ही लिपसिंग वीडियो डालना है। और दोस्तों मोज ऐप जो एक बात कही है बेटर लक नेक्स्ट टाइम के बाद कि आपको दोस्तों अपना जो है ओरिजिनल वीडियो डालना है,
जी दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ओरिजिनल वीडियो नहीं डालते हैं, गलती से भी दोस्तों गैलरी से वीडियो उठा लिए, तो मोज ऐप को दोस्तों समझ में आता ही नहीं है कि आप एक ओरिजिनल क्रिएटर है या फिर दोस्तों डुप्लीकेट क्रिएटर है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो मोज का एल्गोरिथम है वही दोस्तों डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों क्लियरली लिखा हुआ है कि आप दोस्तों ओरिजिनल वीडियो नहीं डाल रहे थे, रिकॉर्ड मोज कैमरा, जी दोस्तों मोज कैमरा से वीडियो डालने बोल रहा है। मतलब दोस्तों ये जो एल्गोरिदम है वही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मोज का दोस्तों कोई भी टीम नहीं है, ये डिसाइड हो गया है दोस्तों। चूंकि दोस्तों अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग जो वीडियो डालते हैं गैलरी से वो भी तो आप ही का वीडियो है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो बस दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आप कैमरा खोल के ही आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो भी दोस्तों ओरिजिनल और सेम कैटेगरी का ही होना चाहिए। जी दोस्तों सेम कैटेगरी का ही होना चाहिए, आपका दोस्तों कैटेगरी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों कैटेगरी चेंज होता है तो आपको दोस्तों फिर से 14 दिन बाद, जी दोस्तों 28 दिन और 30 दिन नहीं, अब 14 दिन बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए दोस्तों टेंशन में आने से अच्छा है कि पहले दोस्तों उसका सॉल्यूशन जान लो और सॉल्यूशन जान के दोस्तों उसमें काम करना शुरू कर दो, आपका सिलेक्शन दोस्तों 100% मोज क्रिएटर प्रोग्राम में हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों पर डे कम से कम 2 वीडियो अपलोड करनी है, जिस दो वीडियो अपलोड करनी है, मोज का कैमरा यूज करना है और आपको दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करनी है। कोशिश कीजिएगा दोस्तों जितना भी ट्रेंडिंग कॉन्टेस्ट आती है उसमें दोस्तों आपको पार्टिसिपेट करना ही है। जी दोस्तों किसी भी हाल में आपको उस ट्रेंडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। अब आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग दोस्तों ट्रेंडिंग कॉन्टेस्ट में तो पार्टिसिपेट करते हैं, अगर दोस्तों आप लोग का कॉमेडी चैनल है तो आपको दोस्तों जो ट्रेंडिंग कॉन्टेस्ट आती है उसको दोस्तों आपको कॉमेडी अंदाज में ही आपको डिफाइन करना है, वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। अगर दोस्तों वहां पे कोई सॉन्ग दिया गया है और कॉमेडी वीडियोस अगर आप लोग बनाते हैं और उस जगह पे दोस्तों आप लोग अगर कर दिए भैया डांस, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका जो प्रोफाइल है दोस्तों वो रिजेक्ट होने वाला है। आपको दोस्तों हड़बड़ाना नहीं है, तुरंत दोस्तों आपको MFC में सिलेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करना है। आपको दोस्तों सिंपली कुछ बात जो है वो डिसाइड करना है कि आपको दोस्तों सबसे पहले करना क्या है। अगर दोस्तों आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या फिर जो डांसिंग वीडियो बनाते हैं तो सेम कैटेगरी में जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको बहुत सारा वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लेनी है, मतलब दोस्तों 5 से 7 वीडियो आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली MFC के लिए अप्लाई करना है। MFC के लिए अप्लाई करने के बाद दोस्तों अब भी आपको रुकना नहीं है, आपको दोस्तों वीडियो बनाते रहना है। चूंकि दोस्तों अगर आप रुक जाओगे तो आपका सिलेक्शन दोस्तों मोज क्रिएटर प्रोग्राम में नहीं होने वाला है और आपको दोस्तों बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिल सकता है। इसलिए दोस्तों आपको पर डे वीडियो रिकॉर्ड करनी ही है जब तक दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। और जब तक क्या है, अगर आप लोग इस मैदान में उतर गए हैं तो अब दोस्तों आपको रुकना है ही नहीं। चूंकि दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप दोस्तों अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपको दोस्तों पैसे नहीं मिलने वाले। चूंकि दोस्तों यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने का ही पैसे मिलेंगे, व्यूज का ही पैसे मिलेंगे। जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं तो व्यूज कैसे आएगा और कैसे आप पैसा कमाओगे, कैसे मिनट कमाओगे। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग एक बार मैदान में उतर रहे हैं तो अच्छे तरीके से उतरिए, पूरा दोस्तों बैग वेग पैक करके उतरिए। चूंकि दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर दोस्तों आपको पैसा कमाना है। तो बस दोस्तों आपको इतना काम करना है और दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, आपका सिलेक्शन दोस्तों 100% हो जाएगा और आपको दोस्तों बेटर लक नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। जी दोस्तों अब आपको आएगा वेलकम टू मोज, बस इतना काम कर लेना, आपका सिलेक्शन तो 100% मोज क्रिएटर प्रोग्राम में हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ, अगर दोस्तों आपके मन में कोई सा भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालो, चूंकि दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मैं दोस्तों आपके कमेंट का 100% जवाब दूंगा। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो मन में है वो लिख डालो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।